उधर सुखपाल सिंह खैरा दे बेली ते लोक इंसाफ पार्टी दे प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने भी खैरा दी बठिंडा रैली तो किनारा कर लिता है। बैंस ने यह भी आख्या कि हुण पंजाब दे सेहत मंत्री ब्रह्म महिंद्रा वालों दायर किए मानहानी मुकदमे नूं चलण लई बैंस तैयार ने। खैरा दी रैली बारे बोलदिया बैंस ने आख्या कि वह बठिंडा कन्वेंशन विच नहीं जाणगे पर इत्थे इतिहासिक इकट्ठ होवेगा। उन्हें आख्या कि जो लोग पंजाब विच माफिया राज दे खिलाफ ने वह इत्थे जरूर आण। उधर दूजे पासे जिथे विरोधी धिर दे साबका नेता सुखपाल सिंह खैरा बठिंडा विच कन्वेंशन करन लई बजित ने उत्थे ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी ठान लई है कि इस रैली नूं किसी भी हालत विच सिरे नहीं चढ़न देंगे। इस लई खैरा दी रैली नूं भंग करन लई केजरीवाल ने तगड़ी चाल चलदिआं अज दे ही दिन पंजाब विधायकां दी बैठक फिर सद लिती है। इस तरह साफ जाहिर है कि केजरीवाल नहीं चाहुंदे कि कोई भी विधायक खैरा दी कन्वेंशन विच पहुंच सके। पंजाब विधानसभा विच आप हाईकमान वालों विरोधी दल दे नेता बनाए गए हरपाल सिंह चीमा ने सुखपाल सिंह खैरा दी बठिंडा कन्वेंशन नूं लैके निशाना साधिया। हरपाल सिंह चीमा ने आख्या कि पार्टी दे कुछ गुमराह होए नेतावां वालों बठिंडा विच करवाई जा रही कथित आप कन्वेंशन RSS भाजपा अकाली दल बादल अते बैंस भरावां वालों स्पोंसर है। उन्हें आख्या कि इस कन्वेंशन विच पार्टी दे राष्ट्रीय कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते पार्टी दे नाम दा गलत अते अनैतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। चीमा ने दोष लगाया कि यह कन्वेंशन पंजाब दे दलित अते दबे कुचले समाज खिलाफ है। पंजाब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी नाल आज मुलाकात की है। मुलाकात तो बाद सिद्धू ने वड्डा बयान दिंदे आख्या कि सिद्धू की शिकायत होंदी है पर सिद्धू किसी की शिकायत नहीं करता। सिद्धू ने आख्या कि शिकायत कमजोर लोग करते हैं। उन्हां तो वार बार मीडिया ने पूछा कि उन्हां दी राहुल नाल की गलबात हुई है तो सिद्धू ने आख्या कि राहुल साडे लीडर ने अते मैं उन्हां नाल होई कोई गलबात नहीं कर सकता। पंजाब सरकार दा मानसून सैशन 16-17 अगस्त तो शुरू होने की संभावना जाहिर की जा रही है जो कि 4 दिनों तक चलेगा। इस बारे जानकारी दिंदिया एक सीनियर अधिकारी ने आख्या कि पंजाब दे गवर्नर VP सिंह बदनौर 20 अगस्त तो 10 दिनों लई शहर तो बाहर होंगे जो कि मानसून सैशन विच उन्हां दी मौजूदगी जरूरी है। इसलिए मानसून सैशन दे 16 अगस्त नूं शुरू होने की ज्यादा संभावना है। अज सवेरे जिला गुरदासपुर के ब्लाक कलानौर अधीन पैंदे पिंड कोसल विखे उस वेले दुखदाई घटना वापरी है जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पावन स्वरूप अगन भेट हो गए। इस तों इलावा 3 पोथियां 2 चोर साहिब पीड़ा साहिब तों इलावा होर नुकसान होने की खबर है। इस दुखदाई घटना कारण पिंड समेत इलाके दीआं संगतां विच रोस पाया जा रहा है। कोरोना नीदी की बीमारी के सदमे में 21 पार्टी वर्करां की मौत की खबर सामने आई है जिथे DMK ने आख्या कि पार्टी प्रधान M कोरोना नीदी के बीमारी होने कारण अते हस्पताल विच दाखिल होने का सदमा ना सह कारण 21 पार्टी वर्करां की मौत हो चुकी है। उन्हें उक्त पार्टी वर्करां की मौत से डूंघा दुख का प्रगटावा करदिआं परिवारिक मैंबरां नाल हमदर्दी प्रगटाई है। उन्हें मारे गए 21 वर्करां की पछाण नहीं दसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने IN मीडिया मामले में कांग्रेसी आगू पी चिदंबरम की पेशगी जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए साबका वित्त मंत्री को गिरफ्तारी तो मिली म्याद 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस AK पाठक ने मामले की सुनवाई करदिया इस संबंधी ED को 4 हफ्तों अंदर जवाब मंगा। दिवालिया हुई रियल एस्टेट कंपनी आमरपाली ग्रुप नूं सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा झटका दिंदे हुए उसके सब बैंक खाते अते चल जायदाद नूं जब्त करन दा हुकम दित्ता है। इस दे नाल ही अदालत ने शहरी हवाबाजी मंत्रालय दे सकत्तर अते NBCC कंपनी दे चेयरमैन नूं अज ही पेश होने लई आख्या है।